यूपी पुलिस कांस्टेबल जो री एग्जाम होने वाला है आपका, जो 17-18 तारीख को जो कैंसिल हो गया था लीक होने की वजह से, अब वो दोबारा होने वाला है। उसमें एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, वो ये है कि गर्ल्स और दिव्यांग जनों को आपका होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलेगा, सेंटर जो मिलेगा वो होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। अभी दूसरी चीज निकल कर ये आ रही है कि आपका जो सेंटर है वो कहीं भी जा सकता है। कहने का मतलब, मैं गाजियाबाद की हूँ, एक ही जगह के दो तीन जगह जा सकते हैं। मेरी सहेली भी गाजियाबाद की है, ठीक है, मेरा चला जाता है मुरादाबाद और मेरी सहेली का जाता है आगरा, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, बॉयज के लिए है ये बहुत ज्यादा, जिन्होंने उधम काटा था वही उनके लिए ये अच्छा ही रहा है। सेंटर का पता नहीं आपको, कोई एमआरएस सीट का पता नहीं, क्योंकि दो से तीन जगह छपेगी, पेपर का आपको पता नहीं, उसमें कई सेट होंगे तो, और बहुत कम सेंटर हैं और सेलेक्टेड सेंटर बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू रूल, जो अभी नई कंडीशन अप्लाई हुए उसी के अकॉर्डिंग। तो मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी गर्ल्स के लिए होती है, मैं लड़कियों को थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट सी करती हूँ कि हाँ ठीक है, लड़कियों के लिए होम डिस्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा रहा होम डिस्ट्रिक्ट हो गया, और आपको अपनी पढ़ाई करनी है, इधर उधर के र्यूमर्स में नहीं लगना है कि हाँ भाई ये पिछली बार की तरह ये वो फलाना ढिमकाना, अच्छी चीजें सुननी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना अपनी मर्जी से है ना, अपनी मेहनत से। सेटिस्फाई तभी होगे जब आप अपनी मेहनत से लगोगे। ऑल द बेस्ट।